Morning student, in my last video I started chapter number 12 of class 5th, perimeter, area and volume. Class 5th के लिए जब हमने chapter start किया था perimeter, area and volume, there we already discussed about perimeter, area. Now today we will discuss about volume. हमने perimeter के बारे में जब discuss किया था तो हमने ये बोला था कि जो distance होती है covered by a field है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ जहाँ पे होल साइड होता है वो पेरीमीटर होता है. वहीं हमने एरिया की बात करी थी तो हमने बोला था कि जो स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ फील्ड होती है वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है. और जो हमारा पेरीमीटर है वो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स होता है ना. तो ये पेरीमीटर हो गया, अब ये एरिया हो गया. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम की हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक कोई कंटेनर है ठीक है, या फिर आपका आप ले लीजिए इट इज़ अ वाटर जो ग्लास है, अपन एक ग्लास ले लो ठीक है, या फिर आपके पास एक बॉटल है उसमें से आपको ग्लास बॉटल में से ग्लास में पानी डालना है. तो कितना पानी ग्लास में आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी. तो ये जो लिक्विड हो गया या फ्लूइड हो गया उसको कंटेन करता है, कितने अमाउंट में कंटेन करता है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, तो ये उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है. क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है. मतलब कि जैसे एक बड़े बड़े टैंक हो गए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना लिक्विड इसमें आएगा, इस टाइप से. जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में जो साइड जैसे ये जो है इस टाइप के क्यूब्स होते हैं ठीक है, ये क्यूब्स होते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वेन एवर वी अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए इंटू ए इंटू ए. ए इसमें क्या होती है, साइड होती है ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वेयर फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे के रखा है, उसमें आपको उसका वॉल्यूम निकालना है क्यूब का ठीक है. वी नो दैट ठीक है. वॉट वी नो दैट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए. मतलब क्या होता है, ए क्यूब ठीक है. ये मैंने ओनली आई रिटर्न फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट राइट, नेक्स्ट टाइम आई विल राइट ओनली ए क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया हमारा, ए क्यूब. ए क्या होती है इसमें, साइड्स. ए क्या होती है, साइड्स होती है ठीक है. ए इसकी साइड्स होती है. अब यदि हम यहाँ पे देखें ए क्यूब, मतलब हमको साइड कितनी देखी रखी है इसमें, 7 सेंटीमीटर. वॉट गिवन हियर, 7 सेंटीमीटर. सो वॉट वी हैव टू राइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. इट इज गिवन ना, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर. अब व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, जब हमने एरिया वाले क्वेश्चन किए थे तो हमने एरिया की यूनिट क्या लगाई थी, स्क्वेयर. एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वेयर. सिमिलरली द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूब. तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब होती है. मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब. अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब निकालेंगे तो 7 इंटू 7 से कितना हो गया हमारा, 49. मतलब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर. अब आपको 49 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है. 49 मल्टीप्लाई बाय 7, विच टेबल वी हैव टू टेल हियर, 7 टेबल. 7 का टेबल पहले हम कितने टाइम्स बोलेंगे, 9 टाइम्स बोलेंगे. सो 7 वन जो 7, 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 7 4 जो 28, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42, 7 7 जो 49, 7 8 जो 56, और 7 9 जो 63. सो 6 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी ओवर, एंड वी हैव टू राइट हियर 3. ओके, अब ये 6 कैरी ओवर हो गया. 7 4 जो 28 29 30 31 32 33 34 ठीक है. 34 मतलब द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 334 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द आंसर.
What is the volume of cube? The volume of cube is 343 centimeter cube. The unit is always come in centimeter cube. ये जो unit है, या meter हो, kilometer, meter हो, millimeter हो, centimeter हो, तो आप unit हमेशा volume की cube लगाएंगे, क्योंकि unit क्या होती है इसकी? Cube होती है volume की. अब हम बात करें next. इसमें भी हमको सबसे पहले ये कि we know that हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि volume of cube is equals to a cube. A means क्या है? Side है, जो कि हमको क्वेश्चन में कितनी देके रखी है? 12 मीटर देके रखी है. So volume of cube is equals to 12 meter multiply by 12 meter multiply by 12 meter. ठीक है, मतलब 12 में 12 का मल्टीप्लाई, फिर 12 में 12 का मल्टीप्लाई, तो 12 into 12 है ना. आई विल डू हियर, सी इट वर्स फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, 2 जा 4, 2 जा 2, दिस डिजिट इज ओवर. 1 जा 2 और 144. तो मतलब 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर. मतलब इसमें 12 का मल्टीप्लाई है, 12 का मल्टीप्लाई क्या करना है हमको? और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12. 144 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 2 इज ओवर, वी विल पुट हियर क्रॉस. 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 8 एज इट इज, 8 प्लस 4 2, 1 इज कैरी ओवर, 4 5 6, 6 प्लस 1 7, और 1 एज इट इज. सो 1728 मीटर क्यूब. वॉट इज अवर आंसर? 1728 मीटर क्यूब. वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 1728 मीटर क्यूब. सो यू अंडरस्टूड, इफ द साइड इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई एंड वी विल गेट आंसर. Now we will see the question number 2. है ना, question number 1, what we did? We did the find the volume of cube. अभी हमने question number 1 में cube का volume निकाला. Now we will find out the volume of cuboid. Volume of cuboid जब हमको निकालना हो बेटा, so we have to apply the formula. Volume of cuboid is equals to length into breadth into height. ठीक है, हियर वॉट गिवन इन क्वेश्चन, लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सो फर्स्ट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? हाइट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन. अब हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे क्वेश्चन में लेंथ हमको देखे रखी है, ब्रेथ हमको देखे रखी है और हाइट भी हमको देकर रखी है. सो वी हैव टू अप्लाई द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. हाउ मच लेंथ इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? 10 सेंटीमीटर. मतलब आप यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज वॉट 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज वॉट 7 सेंटीमीटर. ठीक है, Now 10 into 8 is what? 10 8 is 80
मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। 80 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो 80 में यदि हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 जीरो जा 0, 7 8 जा 56, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर 28, 7 फाइव जा 35, 7 सिक्स जा 42, 7 सेवन जा 49 और 7 8 जा 56, मीन्स 560 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 560 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हूज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर इज 560 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड? नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। हियर फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? नाउ ओनली वी डिड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सो व्हाट इज अवर लेंथ? अवर लेंथ इज 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज व्हाट? 4 मीटर और हाइट इज व्हाट? 3 मीटर, ठीक है। अब 5 4 जा कितने हो गए? 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर और 23 जा इज व्हाट? 60 मीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 5 मीटर ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज आंसर इज 60 मीटर क्यूब। सो यू अंडरस्टूड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? इफ समवन विल मतलब इफ क्वेश्चन विल कम और समवन विल आस्क इफ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ए क्यूब। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ वॉट वी विल डू? वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। नाउ सी द वर्ड प्रॉब्लम। इफ द दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इज विल कम कि इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड वॉट यू विल डू? यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू हैव टू सॉल्व। नाउ सी दिस वर्ड प्रॉब्लम। हियर वर्ड गिवन इफ अ हॉल इज 35 मीटर, ठीक है। इफ अ होल इज 35 मीटर लॉन्ग, मतलब कि यदि कोई होल है, एक जो हॉल जिसको बोलते हैं ना हॉल, बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं, यदि वो 35 मीटर लॉन्ग है, मतलब 35 मीटर लंबा है एंड 15 मीटर ब्रॉड और 15 मीटर चौड़ा है, मतलब लॉन्ग है, लंबाई दी है, मतलब उसकी क्या दी है? लेंथ दी है, और ब्रॉड मतलब वो चौड़ा है तो उसकी ब्रेथ दी होगी, दे के रखी है आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द हॉल एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर। क्या दिया हुआ है? जैसे कि एक आपका क्लासरूम है, उसकी लेंथ जो है आपके पास 35 मीटर है और जो ब्रेथ है वो कितनी मीटर है? 15 मीटर है। यदि आप उसमें फ्लोरिंग, या आप मानो आप उसमें फ्लोरिंग करवाते हो, तो फ्लोरिंग करवाते हो तो एक पर एक स्क्वायर मीटर पे ₹8 लगते हैं, तो पूरा फ्लोरिंग कितने में होगा? तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि उसमें एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है। अगर ₹1 में फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1 की 2 चॉकलेट आती है, या हमने बोला द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹10, एक चॉकलेट की कॉस्ट ₹10 है, तो 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी? ₹50, 5 × 10। ये इसी तरह यदि एक स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर ₹8 लग रहे हैं, तो टोटल जो उसका एरिया रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने टोटल जो उसका रेट रहेगा, कितने में उसकी फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्स्ट लेंथ देखे रखिए, यहाँ पे लेंथ ऑफ होल मतलब लॉन्ग मीन्स लंबाई, इट इज लेंथ ओनली। लेंथ ऑफ होल इज इक्वल्स टू 35 मीटर, ठीक है। वही ब्रेथ कितनी देखे रखी है आपको? ब्रेथ ऑफ होल हाउ मच? 15 मीटर। बेटा अब
यदि एक स्क्वायर मीटर 8 रुपीज़ में फ्लोरिंग हो जाती है तो हमको इसकी निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रूम का है, मतलब कि आपको एक लंबा दिया है, लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ कम है, तो रेक्टेंगल है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दैट मीन्स 35 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। अब हमको क्या करना है, 35 में किसको मल्टीप्लाई करना है, 15, 5 जा 25, 2 5, 5 3 जा 15, 16, 17, दिस डिजिट इज ओवर, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5, 7 प्लस 5, 12, 2 3 4, इसका एरिया कितना आ गया, 425 स्क्वायर मीटर। और व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, तो एरिया जब हमारा आ गया 525 स्क्वायर मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। अब हमको क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है कि यदि एक स्क्वायर मीटर जब फ्लोरिंग होती है तो 8 रुपये लगते हैं, तो इतने स्क्वायर मीटर फ्लोरिंग होगी तो कितना अमाउंट लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लें, फर्स्ट एरिया ऑफ होल, एरिया कितना हो गया हॉल का, इज इक्वल्स टू 525 स्क्वायर मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ पर, या फिर रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है ना, कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर कितना लग रहा है, ₹8। सो कॉस्ट ऑफ 525 स्क्वायर मीटर कितना लगेगा, 525 मल्टीप्लाई बाय ₹8, है ना, ठीक है। एक से ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 525 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, 4 0, 8 2 जा 16, और 16 प्लस 4 20, 8 5 जा 40, और 40 प्लस 2 इज 42, मतलब पूरे हॉल को फ्लोरिंग कराएंगे तो कितने पैसे खर्च होंगे, 4200। सो आंसर वी हैव टू राइट द कॉस्ट ऑफ 500 या द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द हॉल इज ₹4200। ओके, एंड मोर वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन इन योर चैप्टर, बट दिस इज, मतलब इट इज़ नॉट टू टफ, दे आर इजी, सो इट इज इजी टू सॉल्व इफ यू अंडरस्टूड दिस मच व्हाट आई टॉक्ट टू यू। सो यू आर इजी, यू हैव इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ हियर व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट पेरीमीटर, हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में, एरिया के बारे में पढ़ा और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, थैंक यू।